हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और ये है एक ट्रिमर। और भाई इस ट्रिमर को मैंने ऑनलाइन परचेस किया था काफी कम रेट देखकर, और इसको मैंने 2 दिन यूज करा, उसके बाद ये खराब हो चुका था, गए सारे पैसे पानी में। रुको जरा, सबर करो। लेकिन हमारे पैसे पानी में चला जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो भाई इस ट्रिमर का जो पैसे हैं हम ऐसे ही पानी में नहीं जाने दे सकते हैं, इसको हम रिपेयर करेंगे और उसके बाद वापस से यूज में लेंगे। तो भाई इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिमर रिपेयर करना सिखाने वाला हूँ, तो चालू करते हैं इस वाली वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लो। बिहार तो भाई ये है हमारा एक ट्रिमर जो कि मैंने सेल में खरीदा था ऑनलाइन, और यकीन मानिए इसे मैंने एक बार भी अपनी दाढ़ी को ट्रिम नहीं किया है। समझ रहे हो, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी की लगी हुई है। ये लगभग आप देख सकते हो 30-40 सेकंड या फिर 1 मिनट तक चलेगी और ये डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके बाद हमारा जो ट्रिमर है वो काम करना बंद कर देगा। अगर आप इससे ट्रिमिंग करोगे, अपनी दाढ़ी सेट करोगे, तो लगभग आपकी आधी हो जाएगी और आधी आपकी वैसी ही रहेगी, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली चीज है। तो यहाँ पर इसकी बैटरी वैटरी हम सब कुछ चेंज करेंगे, सब कुछ सिस्टम इसका चेंज करेंगे, तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पूरा ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक मोटर लगी हुई है, और यहाँ पर इसका जो चार्जिंग सिस्टम दिया गया है जो बैटरी को चार्ज करता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर चार्जिंग पिन दी गई हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो बैटरी है पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, तो इसको हम यहाँ पर खोल लेंगे इस चार्जिंग सिस्टम को, क्योंकि ये जो बैटरी है लगभग 1.2 वोल्ट की है और यहाँ पर 600 mAh की है, तो हमें इस बैटरी को यहाँ पर चेंज करना होगा। मैंने इसको निकाल लिया है यहाँ पर, और आप देख सकते हो कुछ वायरिंग की गई है इसके साथ में, तो इस वायरिंग को भी हमें चेंज करना होगा। हमें इस मोटर के जो वायर है उनको कट करना होगा। यहाँ पर एक स्विच सिस्टम दिया गया है इन्होंने, देख सकते हो ये जो PCB है यहाँ पर एक स्विच है इसका, तो इसको हमें यहाँ पर कट नहीं करना है, डायरेक्ट बस यहाँ से हमारे मोटर के वायर को कट करना है। ये मदरबोर्ड हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन इसको फेंकना नहीं है, हो सकता है आपकी ये बैटरी कहीं दूसरी जगह काम आ जाए और आप इसको इस टाइप से लगाकर चार्जिंग सिस्टम बना सकते हो। यहाँ पर 220 वोल्ट लग जाएगा और ये हमारा बैटरी चार्जर बन जाएगा इसका। इसके अंदर यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का यूज करने वाला हूँ मैं। इन बैटरी को मैंने नई परचेस नहीं किया है, क्योंकि ये 70-80 रुपए की मिलती है, तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। आप सभी को कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप पर जाना है और वहाँ पर पुराने लैपटॉप की बैटरी लेनी है, वो लगभग आपको 30-40-50 रुपए के अंदर मिल जाएगी, उसके अंदर 6 सेल निकलने वाले इस टाइप के। ये वाली बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है जो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, और यहाँ पर जो इसका AHP काफी ज्यादा होता है। हमारी मोटर इस बैटरी से आसानी से चलेगी, क्योंकि ये जो मोटर होती है 3.7 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक हम इसमें सप्लाई दे सकते हैं, और ये जो है इस मोटर से काफी पावर से चलने वाली है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। इस मॉड्यूल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फ्रेंड, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो बैटरी है काफी बड़ी साइज की है और इसके अंदर इतनी जगह नहीं है कि इसको इस टाइप से हम लगा सके, तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर एक जगह बनानी होगी। अब हमारे अंदर की साइड में जो बैटरी होल्डर दिख रहा है इसको हमें कट करके निकालना होगा और यहाँ पर प्लेन बनाना होगा इसको। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से अंदर से कट कर लिया है। इसके अंदर बैटरी जो बिल्कुल परफेक्ट साइज में आ चुकी है। अब हमारे पास मोटर, बैटरी मॉड्यूल और उसके बाद बैटरी और स्विच, इन सभी को हम कनेक्शन करके हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर फिट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मॉड्यूल जो है इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दे देता हूँ आपको, ताकि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको इस मॉड्यूल के अंदर 4 पॉइंट दिखेंगे, 2 तो पीछे की साइड में और 2 आगे की साइड में। ये जो पीछे वाले पॉइंट दिख रहे हैं ये दोनों बैटरी के अंदर जाने वाले हैं, और यहाँ पर माइनस प्लस लिखा हुआ है, बैटरी प्लस और बैटरी माइनस। जो हमारा माइनस वाला है बैटरी के माइनस पॉइंट में और प्लस वाले पॉइंट में जाएगा। इसके आगे की साइड में यहाँ पर माइक्रो यूएसबी का फीमेल जैक लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारा जो चार्जिंग पॉइंट लगता है, मतलब हमारे चार्जर का जो पिन है वो यहाँ पर लग जाएगा और बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन इसका यहाँ पर यूज नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो ट्रिमर की बॉडी है उसके अंदर इतनी जगह नहीं कि इसको हम अलग से सेट कर सके। तो यहाँ पर मैं एक अलग से फीमेल जैक वाला लगाऊंगा और यहाँ पर इनको पिन लगा दूंगा। तो यहाँ पर माइनस और प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों के हम टांगे जोड़ देंगे और उसके बाद में कनेक्शन कर देंगे। पूरा
पूरा कनेक्शन हो चुका है यहाँ पर, हमने माइक्रो यूएसबी फीमेल जेक लगा दिए हैं यहाँ पर, इस टाइप से कनेक्शन हो चुका है। हमारे मॉड्यूल से जो हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ पर दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। अब बैटरी से हमारे दो वायर निकाल के हमने इस मोटर के अंदर डाल दिए हैं और रेड वाला जो वायर इसको कट करके यहाँ पर हमने स्विच वाला जो हमारा पीसीबी था उसको हमने कनेक्ट कर दिया है। तो फाइनली ये पूरा कनेक्शन हो चुका है, अब इसे बॉडी के अंदर फिट करते हैं। इसको मैंने पूरा पैक कर दिया है। पीछे की साइड में हमारा फीमेल जैक लग चुका है जहाँ पर हमारी चार्ज होगी बैटरी, और आगे की साइड में भी देख सकते हो पूरा अच्छी तरीके से पैक कर दिया है। तो यहाँ पर ट्रिमर का हेड जो है आगे की साइड में हम लगा देंगे। तो अब यहाँ पर इसको चला कर देखते हैं। तो फाइनली ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। तो अभी इसका यहाँ पर पावर भी बढ़ चुका है, आप देख सकते हो। इसे हमारी मोटर जो है काफ़ी स्पीड से चल रही है। इसमें हमारा फायदा ये है कि एक तो हमारी जो मोटर है वो काफ़ी अच्छी पावर मिल रही है। इसको 3.7 वोल्ट की जो हमारी बैटरी लगाई है जिससे हमारी मोटर काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगी। और दूसरी बात की ये जो स्पीड से चल रही ना, पहले इसमें प्रॉब्लम यह थी कि ये कम स्पीड में चल रही थी, बाल हम यहाँ पर जैसे कटिंग करते तो यहाँ पर खींचने में आते थे और वो मतलब दर्द देता था यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये स्पीड से चलेगी तो यहाँ पर हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। तो अभी डायरी तो मैं कट करके नहीं देखने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने सेट करवा रखा है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा ट्रिमर अच्छे से काम कर रहा है और काफ़ी स्पीड से भी काम कर रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पहले हमारा ट्रिमर जो ओरिजिनल ट्रिमर आता है उसी टाइप से काम कर रहा है। और अब यहाँ पर इसकी जो बैटरी बैकअप वो भी बढ़ चुका है, क्योंकि आपके सामने मैंने इसमें पुरानी बैटरी खोलकर नई बैटरी डाली है और वो भी काफ़ी बड़ी बैटरी इसके अंदर हमने डाली है, जिससे इसका जो पावर बैकअप है वो लगभग आप मान सकते हो कि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे आराम से इसको चला सकते हो। ट्रिमर यहाँ पर अच्छे से काम करने लगा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, मेरी मूछें जो इससे कट करके दिखाने वाला हूँ सभी को। मैं मजाक कर रहा था, मैं इसे कट नहीं कर सकता अपनी मूछों को। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने यहाँ पर जो साउंड है उसको डालकर आपको एडिटिंग करके दिखाई है। और आप ऐसा कर मत करना कि मूछों मुझे कट कर लो, क्योंकि यार मूछें शान होती है आदमी की, आप इनको रखना हमेशा। और भाई आपका पता नहीं लेकिन हम तो राजस्थान से हैं, राजस्थान में जो मूछें होती है वही हमारी शान होती है। तो कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लो। बिहार मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।